जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। इससे पहले हमने 3 या 4 वीडियो डाल दिए हैं कॉन्सेप्ट वाला। ये हमारा कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो है, जिसको आज जो हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से भी हम किसी भी संख्या का रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम समझने से पहले हम आपको एक ये बताना चाहते हैं कि मल्टीपल और गुणनखंड क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, जो हमने पढ़ा है ना, तो ये हो जाएगा मल्टीपल का मतलब टेबल। और एक होता है आपका गुणनखंड, गुणनखंड को हिंदी में बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर, इसका मतलब समझते हैं। बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले आपको किसी भी अंक का टेबल और मल्टीपल, सॉरी टेबल को ही मल्टीपल बोलते हैं और इसके गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि 6 ले लिया होता हूँ मैं, तो 6 का टेबल क्या होगा या फिर 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो 6 के पाढ़ा में जो भी आता है ना, 6 के पाढ़ा में जो भी आता है, जैसे 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, ऐसे सो ऑन, ये हमारा इन्फिनिटी तक चलेगा, है ना। 6 का पढ़ा मेनली हम लोग 10 तक याद करते हैं, क्योंकि हमारा काम उसी तक रहता है, लेकिन टेबल कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो इन्फिनिटी तक चलते रहता है। अब फैक्टर क्या होता है, ध्यान से देखिए, फैक्टर का मतलब ये होता है कि 6 का भाग किस में हो सकता है, या संख्या 6 को कौन कौन सी संख्या पूर्ण रूप से भाग दे सकती है। याद रखिएगा, दशमलव में भाग नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से भाग होना चाहिए। तो 6 को कौन कौन सी संख्या भाग दे सकती है, 6 को कौन कौन सी संख्या भाग दे सकती है, तो 6 को एक दे सकता है और 6 स्वयं दे सकता है। ठीक है, एक देगा और 6 स्वयं देगा। चलिए आगे इसमें बात करते हैं, आगे बात करने क्या है कि और क्या देखा, तो 6 का भाग हम 2 में भी दे सकते हैं, है ना, 2 भी पूरे 6 को काट सकता है, और जो 3 है ये भी 6 को पूरा तरीके से काट सकता है। क्या इसके बाद और कोई संभव है अंक, एक के बाद 2 हम देख लिया, 3 देख लिया, 4 और 5 बच जाता है, तो 4 और 5 6 को पूरी तरह से भाग नहीं देता। फिर से एक बार ध्यान से समझिए, बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले हमको टेबल और फैक्टर में अंतर जानना है। मेनली हमको समझना है कि फैक्टर क्या होता है ना। फैक्टर को समझाने के लिए मैंने टेबल बताया है, तो 6 का टेबल या फिर मल्टीपल क्या हो जाएगा, पूरे 6 का पाढ़ा, 6 × 6 = 12, 6 × 18 = 6, 6 × 24 = 6 × 5 = 30, सो ऑन, है ना, वो पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। दूसरा है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि जो हम संख्या लिखेंगे, है ना, जो हम नंबर लिखेंगे, उसको कौन कौन सी संख्या पूरी तरीका से काट सकता है, ये होता है उसका फैक्टर। तो इस 6 को 1 पूरी तरह से काट देगा, है ना, है ना। आपको पता है कि कोई भी संख्या स्वयं से या 1 से पूर्ण रूप से कट जाती है, तो 1 और 6 ये तो कटना ही कटना है। साथ में 6 को 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 6 भी काटेगा। काट के देख लीजिए, 1 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 6 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, ऐसा है। ठीक है, ये आपको फैक्टर समझ आ गया, क्योंकि हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो हमको फैक्टर पता होना चाहिए। देखिए, इस बात से क्या पता चलता है, यदि कोई संख्या है ना, यदि कोई संख्या है, यदि उस संख्या का यदि हम फैक्टर करते हैं, तो उसका जो फैक्टर होता है उस संख्या को पूर्ण रूप से काट देता है। 6 का फैक्टर 1 है, 6 को पूरी तरह से काटेगा, 6 का फैक्टर 2 भी है तो उसको पूरे तरीके से काट देगा, और 6 का फैक्टर 3 भी है वो पूरी तरह से काटेगा। या ये कह सकते हैं कि जो संख्या, है ना, जो संख्या किसी दूसरे संख्या को पूर्ण रूप से काट दे वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 3 है, 3 6 को पूरी तरीके से काट जाता है, तो 3 को हम फैक्टर बोलेंगे, किसका, 6 का। याद रखिएगा, टेबल में केवल जो वही संख्या अपने आप को काट सकता है, इस 6 को 12 कभी भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि 6 छोटा है, 12 बड़ा है। तो टेबल अलग से याद रखिएगा, मेनली आपका फोकस होना चाहिए इस थ्योरम पर, फैक्टर पर। ठीक है, तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा थ्योरम है (e^(n) - (b^(n). ठीक है, (e^(n) - (b^m). यदि, है ना, n बराबर n यदि विषम हो तो,
मैं पूरा हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, हो तो, ठीक है, यदि n माइनस एम सॉरी ए की घात n और b की घात n, ठीक है, यदि n ऑड हो तो, ऑड हो तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा a माइनस बी, याद रखिएगा, है ना, ये आपको चाहें तो नोट करके रख सकती है, इसका फैक्टर होगा a माइनस बी। अब मान लीजिए यदि मैंने इसको फैक्टर कहा है ना, यदि मैंने इसको फैक्टर कहा, इसका मतलब है कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो है इस ए स्क्वायर को पूरी तरह से काट देगा, है ना, इसको क्या करेगा, एन स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर को ए माइनस बी पूर्ण रूप से काटेगा, है ना, पूर्ण रूप से काटेगा, ठीक है। ये है हमारा पहला बाइनोमियल थ्योरम। फिर से समझिए, ए की घात एन माइनस ए की घात एन, ठीक है, यदि एन ऑड है, ऑड मतलब समझते हैं ना, विषम है, यदि एन ऑड है, विषम है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, ए माइनस बी इसका फैक्टर होगा। और मैंने पहले ही बताया है कि फैक्टर जो होता है अपने मूल संख्या को पूर्ण रूप से काट देता है, ठीक है, तो आपको ये लिखित में याद होना चाहिए, फैक्टर याद होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसी प्रकार का मिलेगा, है ना, जब आप एग्ज़ाम में बनाओगे ना, तो एक सेंटेंस लिखा रहेगा कि ए की घात 5, हाँ, 3 की घात 6, इस प्रकार का आपको लिखा रहेगा, और बोलेगा कि इसको कौन काट सकता है ना, या फिर इसको कौन काट सकता है, इसका फैक्टर क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डिटेल से और आगे समझेंगे, ठीक है। ये था हमारा पहला बाइनोमियल थ्योरम। हमको चार पढ़ना है, एक हमने पढ़ लिया, सेकंड की बारी है। सेकंड बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, ये देखिए, सेकंड बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, ये देखिए, सेकंड बाइनोमियल थ्योरम क्या है, तो यदि ए की घात एन माइनस बी की घात एन, ठीक है, यदि इफ, हाँ, इस बार यदि एन जो है, इस बार जो एन जो है सम हो तो, सम हो तो फैक्टर क्या होगा, है ना, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। हम पहले क्या पढ़ा था, यदि ए की घात एन माइनस बी की घात एन, है ना, यदि एन सम है तो क्या होगा, ए की घात ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसका फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा मतलब इस संख्या को पूरी तरीके से काट देगा, ठीक है, यदि फैक्टर होगा तो इस संख्या को ये पूरी तरीके से काट देगा। जब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तब आप आसानी से समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं इसी में, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका ए की घात एन प्लस ए की घात सॉरी इसमें बी होगा, है ना, बी की घात एन। देखिए उस अब पहले हमने क्या कह पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले माइनस वाला पढ़ा, अब सम वाला पढ़ते हैं। यदि एन की घात विषम है, यदि एन यदि विषम है तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर क्या होगा, केवल ए प्लस बी इसका फैक्टर होगा। यदि इस रूप में कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तब केवल ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो इस पूरे इक्वेशन को पूरी तरीके से काट देगा। देखिए फैक्टर पूरी तरीके से काटता है ना, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब इसी में आपको चौथा पॉइंट देखना है, मैं यही बना देता हूँ, जगह है मेरे पास, ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें क्या देखना है, ये देखिए, यदि यही अगर सम होता तो, है ना, यदि यही जो ऊपर मैं लिखा हूँ, यदि ये सम होता, एन इक्वल टू सम होता, हो तो, ठीक है, हो तो इसका कोई भी फैक्टर होगा, नहीं होगा, नो फैक्टर, इसको कोई भी संख्या नहीं काट सकती। यदि एन की घात प्लस हो तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, इसको कोई भी संख्या नहीं काटेगा, इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। ये पूरी चीज़ जो मैंने चार चीज़ बताया है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। अब इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है, इस पर कुछ हम एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला एग्जांपल है 11 की घात 9 माइनस 3 की घात 9, है ना। तो इसको कौन काट सकता है ना, इसको विभाजित कौन करेगा। तो देखिए, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए मानिए, बी मानिए। पहले हमने देखा है कि ए माइनस ए की घात एन और बी की घात माइनस में यदि एन है, तो यदि विषम है ना, यदि यदि एन विषम है, यहाँ पर एन विषम है ना, एन आपका विषम है, विषम है, तो इसका फैक्टर क्या होता था, विषम है तो फैक्टर क्या होता था, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ फैक्टर क्या निकालेंगे, ए माइनस बी, ए की जगह 11 है और माइनस 3 है, इसका उत्तर हो जाएगा 8। यहाँ आप कोई भी वैल्यू रखिए, 8 उसको बराबर काट देगा, 8 जो है उसको पूरी तरीके से काटने की क्षमता रखता है, ठीक है। 8 जो है उसको पूरी तरीके से काटने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 29 की घात 28 माइनस 26 की घात 28, ठीक है। आपको इसमें फैक्टर बताना है, आपको इसमें फैक्टर बताना है। याद रखिएगा, यदि प्लस वाला होता, यदि है ना, इस माइनस की जगह यदि प्लस होता और एन की जगह यदि सम हो जाता, तो कोई फैक्टर नहीं बनता इसका, लेकिन ये माइनस है तो इसका फैक्टर बनेगा। इसका फैक्टर क्या बनेगा, है ना, पहले यहाँ लिख लीजिए, एन आपका सम है, सम है तो फैक्टर क्या होता है, आपका होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 29 और 26 में यदि हम पहली बार अगर माइनस करते हैं, तो हमको यहाँ मिलेगा 3 गुना, जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 55, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन दोनों संख्या से ये कट सकता है ना, इस 3 से भी ये पूरी इक्वेशन कट जाएगा, ये जो पूरी इक्वेशन 3 से भी कट जाएगा, 55 से भी कट जाएगा, या इसके गुणनफल से भी कट जाएगा। गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 × 15, हाथ के 1 × 5 = 15 = 16। तो ये जो संख्या है, ये जो इक्वेशन है, 29 की घात 28 माइनस 26 की घात 28, वो आपके 3 से पूर्ण रूप से कटेगा, है ना। इस 3 से पूर्ण रूप से कट सकता है, इस 55 से कट सकता है, और 165 से भी पूर्ण रूप से कटेगा, ठीक है। हम ये बाइनोमियल थ्योरम आपको बता रहे हैं। अगला इसी में देखिए, एक और उदाहरण देखिए, इसमें एक और उदाहरण क्या है, यदि 3 की घात 62 प्लस है ना 7 की घात 62, देखिए ये प्लस में है और हमारे पास एन आ गया सम में, यदि एन सम में है तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, नो फैक्टर, ठीक है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। कोई भी फैक्टर नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई भी फैक्टर नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, इसको विषम बनाना है, इसको विषम बनाना है। विषम बनाने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये देखिए, विषम बनाने के लिए हमको क्या करना है, ये देखिए, विषम बनाना है तो इसको हम हाफ़ करेंगे, है ना, इस 62 को हाफ़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 31 मिलेगा। 62 को हाफ़ करेंगे तो इधर ये ऐसा कुछ आएगा, देखिए 31, है ना। यदि इस 2 और 31 को इंटू करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 62 ही मिल जाएगा, ठीक है। प्लस सेम काम आप यहाँ भी कर दीजिए और ये हो जाएगा 31। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 की घात 31 प्लस है ना 7 की घात 49 होगा ना, तो 7 की घात 49 31। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, क्या अब हो जाएगा क्या, ठीक है। अब तो आपको क्या बोलते हैं, प्लस वाला है और एन जो है विषम में आ गया, है ना। यहाँ पे एन एन बराबर है आपका 31 और ये आपका ऑड है, ऑड है तो क्या फैक्टर बनता है, यदि ऑड है तो क्या फैक्टर बनता है, प्लस में है ऑड है तो क्या फैक्टर बनता है, तो फैक्टर इसका बनता है ए प्लस बी, केवल ए प्लस बी बनता है इसका फैक्टर। तो ए प्लस बी जोड़ लीजिए, ए प्लस बी जोड़ लीजिए, 49 और उन इसको 9 + 49 कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 9 × 18 ये हो जाएगा 58। इस प्रकार आपको आंसर लाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।